गपचुपुर नाम के गांव में धनराज नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। धनराज अपने घर के सामने ही तबेला बनवा कर उसमें अपनी गायों को रखता और उन्हें हमेशा साफ पानी और हरा भरा घास देता था। इसीलिए उसकी गायें बहुत ही गाढ़ा दूध देती थी और उस दूध के स्वाद में भी कुछ अलग ही मजा आता था। इसीलिए सारे गांव वाले उसी से दूध खरीदते थे। ऐसे समय में उस गांव में बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज थी, इसीलिए छोटी और बड़ी गाड़ियां दिन रात फिरती थी। इसीलिए वहां पर हमेशा धूल और धुआं रहता था। रवली, मैं एक बार छोटू के पास जाकर आता हूँ। आज गायों को चारा डालना भूल गए तुम और खुद भी खाना भूल गए हो। कुछ खा कर जाओ जी। अरे हाँ रवली, मैं किसी सोच में डूबकर भूल गया था, अभी उन्हें चारा डालकर आता हूँ। ये कहते हुए जल्दी जल्दी मैं गायों को चारा डालकर खुद कुछ भी खाए बिना छोटू के पास चला जाता है। छोटू एक तापी मेस्त्री है और बहुत ही मेहनती है और एक बहुत अच्छा इंसान भी है। धनराज और छोटू बचपन के साथी हैं। क्या बात है धनराज, इतने सुबह सुबह मेरे पास आए हो। अब तुमसे क्या कहूँ छोटू, गांव में जितनी फैक्ट्री बढ़ती जा रही है वातावरण को भी उतनी ही दूषित कर रही है। साथ ही सड़क पर वाहनों के बारे में तो पूछो ही मत, गायों को बाहर लेकर जाने पर भी डर लग रहा है। हाँ धनराज, लेकिन इन्हीं फैक्ट्री की वजह से ही आजकल हमारे काम कितनी आसान से हो रही है और घंटों के काम मिनटों में हो रही है। वैसे भी हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ तुम भी सही कह रहा है, अब हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, अब शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए घर को लौटकर आता है। उसके बाद अपनी गायों को लेकर तालाब के पास जाता है। बहुत देर तक उसकी गायें उस तालाब में नहाने के बाद शाम को लौटकर आ रहे थे। इतने में तेजी से एक गाड़ी आते हुए उन धनराजों के गायों को आकर टक्कर मार देती है। इतने में धनराज की पसंदीदा गायों में से एक गाय मर जाती है। धनराज के दुख की कोई हद नहीं थी। अगले दिन सुबह, छोटू मैंने तुझसे कल ही तो कह रहा था ना रे, अब मेरा वही डर सच हो गया है, मेरे सबसे प्यारी गाय मर गई है। तुम अपने आप को दोष मत दे मेरे भाई, शाम के वक्त गाड़ियां ऐसे ही घूमती है, थोड़ी सावधानी बरत लेता तो ठीक हो जाता। ये कहते हुए छोटू धनराज को समझाकर चुप करवाता है। उस दिन के बाद से धनराज अपनी गायों को तालाब ले जाना की बंद कर देता है। इस वजह से वो दिन ब दिन गंदी होती जा रही थी और बीमार भी हो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ था, इसका मतलब बार बार थोड़ी होगा जी, पानी ना होने की वजह से देखो उनसे कितनी बदबू आ रही है। कुछ देर जाकर तालाब में आराम करेंगी तो उन्हें भी सुकून मिलेगा और उनकी तबीयत भी पहले जैसे हो जाएगी। फिर से मेरी किसी भी गाय को कुछ भी हुआ तो उससे बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है रवाली मेरे पास। अब चाहे जो भी हो, मैंने अपने गायों को उस सड़क पर ले जाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। उसकी बातें सुनकर पहले तो रवली को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में उसका दर्द समझकर वो छोटू के पास जाती है। उससे मैं बात करता हूँ बहन, तुम चिंता मत करो। ये कहते हुए शाम को धनराज के पास आता है। अरे धनराज, तेरी सारी परेशानी उन गायों को उस सड़क पर ले जाने से ही है ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, तब कोई मुश्किल नहीं होगा तुझे। ये कहते हुए उस दिन से शुरू करके दो दिन में खत्म करता है छोटू धनराज के घर के पास
उसकी गायों के लिए अंडरग्राउंड घर बनाना। क्या है रे ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? तूने ही तो कहा था ना कि उस सड़क पर जाने से भी डर लग रहा है, इसीलिए मैंने तेरी गायों को एक अंडरग्राउंड घर बनाया है। अब तुझे सड़क पर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें से तालाब का पानी सीधे यहाँ पर आते हैं। जब तुम्हें पानी चाहिए ढक्कन खोल दो, और जब जरूरत ना हो तब इस ढक्कन को बंद कर दो। वो बात सुनकर धनराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और उस घर का निर्माण पूरा होते ही उन्हें उसमें रहने के लिए छोड़ देता है। उसकी गायें वहाँ पर सुकून से और सुरक्षित रहती है। जब उनकी मर्जी हो पानी में जाकर फिर से आकर साफ जमीन पर बैठ जाती थी। इतने दिनों से तालाब में नहीं जाने की वजह से बहुत ही बीमार हो गई है मेरी गाय, लेकिन अब तुम्हारी मदद से वो फिर से स्वस्थ है और पहले से भी अच्छा दूध दे रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। रहने दे ये सब, अपने बीच में अच्छा नहीं लगता। इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी खुशी की जरूरत होती है, उनका स्वभाव भी इंसानों ज्यादा अलग नहीं है। ऐसे बातें करते हुए अपनी बातें आगे बढ़ाकर सुकून से बातें करते रहते हैं दोनों दोस्त।